जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गरीबों के लिए जन्म से लेकर पढ़ाई, स्वास्थ्य, विवाह, रोजगार और मृत्यु तक 380 योजनाएं शुरू की, जबकि बीच में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली 5000 की राशि तक बंद कर दी थी। छतरपुर में जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा उम्मीदवार ललिता यादव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने वोट मांगे। उन्होंने कहा, फर्क इतना है कि शिवराज गांव के किसान के बेटे हैं, वहीं कमलनाथ तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए और दिग्विजय सिंह तो राजा हैं, वे गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। झा ने कहा कि आज के जमाने में सगे भाई तक उधार नहीं देते, लेकिन किसान के बेटे शिवराज ने किसानों को बिना ब्याज के कर्ज, बहनों को 450 में गैस सिलेंडर, लाडली लक्ष्मियों और लाडली बहनों के हितों की चिंता कर उन्हें सशक्त बनाया। कमलनाथ जी ने स्वयं कहा है और हनुमान भक्त होने का खाली गारंटी हमने नहीं लिया है, उन्होंने भी वहां मंदिर बनाया है, लेकिन उनको इंडिया में जो उनकी पार्टी है उसे स्टालिन के बेटे का विरोध करना चाहिए। झा ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के 2/3 बहुमत से जीतने का दावा करते हुए कहा कि चित्र नहीं कमल का चिन्ह दिखेगा, अभी बहुत काम करना है, इसलिए ललिता बहन का जीतना जरूरी है, इसलिए ये आपसे आशीर्वाद मांगने आई है। नहीं नहीं, हम तो सब जगह कह रहे हैं कि कमल का फूल देखिए, चिन्ह देखिए, व्यक्ति नहीं लड़ता हमारे यहाँ, चुनाव हमारे विचारधारा का है, कमल का फूल। छतरपुर में विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने बताया कि उन्होंने गांव-गांव में अस्पताल, जिला अस्पताल का 300 बेड का भवन, विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। 2018 में कमलनाथ सरकार आई तो मेडिकल का पता नहीं था, मेडिकल कॉलेज में कांग्रेसियों ने अदालती अडंगा डाला। उन्होंने कहा, विकास और सेवा भाजपा ही कर सकती है, कांग्रेस से आप शासक चुनेंगे और भाजपा से ललिता यादव को सेवक के रूप में चुनेंगे। कोई ऐसा गौरवशाली काम बता दे जो उन्होंने किया, बता दे। एक तरफ मेरे मंच पे मैं खड़ा होता हूँ और कमलनाथ जी नहीं, संभव नहीं। एक दिन का पिक्चर बना था अनिल कपूर का नायक, आप सबने देखा होगा, इनको 15 महीने मिले कुछ नहीं कर पाए और शिवराज जी को 18.5 साल मिला है तो 5,05,83,00,000 लोगों को उन्होंने गरीबी से 1,43,00,000 से तो लोग गरीबी ऊपर, गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।